सिख समाज पूरे विश्व में त्याग बलिदान और कर्तव्य प्रयाण के लिए जाना जाता है। सिख समाज के लिए जो प्रथम गुरु रहे गुरु नानक साहेब, आज 555वां उनका जन्म अवतार का दिवस है। आज उनके जन्म के दो दिन पहले ही शोभा यात्रा निकली है। कुछ लोग हैं कि जो अगर फूल से लेके अगर कोई वेस्टेज चीज है उसको भी अगर चूमते जलते हैं, तो ये कर्तव्य प्रयाण लोगों से हम बात करते हैं। आइए बात करें कि हम आप क्या कहेंगे कि 1.5 महीने की पहले तैयारी करते प्रभात फेरी भी होती है, आज बताएं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। चूंकि सिख समाज हमेशा से नेकियों के नाम पे जाना जाता है, और 1.5 महीने पहले इसलिए तैयारी चलती कि हम अपने प्रथम गुरु या हमारे दसों गुरु का हम बहुत अच्छे से जन्म स्थान के हिसाब से हम अपना जन्म दिहाड़ा मना सके, उनकी उनको याद कर सके। जैसे बाकी लोग जन्मदिन में करते हैं केक काटना, ये लेकिन हमारे गुरुद्वारों में सिर्फ और सिर्फ भजन कीर्तन के द्वारा ही अरदास वगैरह होती है, गुरबानी के अलावा साथ ही हम वाहेगुरु जी को याद करते हैं, और उन्हीं के आशीर्वाद से हम सब सिख समाज एक होकर चलते हैं। चलिए तो ठीक है कि अपना अपना तरीका होता है मनाने का, लेकिन यहाँ एक उदाहरण होता है कि आप केक नहीं काटे जाते, यहाँ गुरबानी होती है या गुरुद्वारों पे पूजा होती है। और उन लोगों के लिए आगे की बात करते हैं कि पूरे देश में खुशहाली हो और शांति कायम स्थापित रहे। मेरे साथ इस खबर में कविता है। गुरु नानक देव जी के जन्म दिवस के अवसर पर सिख समाज द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली गई है, जिसमें कीर्तन करते हुए सभी चल रहे हैं। और यहाँ पर शहर कांग्रेस कमेटी के द्वारा भी शोभा यात्रा का बहुत बहुत स्वागत किया गया है, और गुरु नानक देव जी के जन्म दिवस के अवसर पर बहुत बहुत हार्दिक बधाई।